बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर विकास की हरकत पर बिग बॉस का गुस्सा भड़क गया है। घर वालों के सामने उन्होंने खोल दी है पोल। बिग बॉस सीजन 16 में हर गुजरते दिन एक नया ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहा है। घर वालों के फैसले के बाद अब अंकित गुप्ता को शो से विदा किया गया। अंकित के बाहर जाने की बात सुनकर प्रियंका अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोई। लेटेस्ट एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिला और वहीं नए एपिसोड में विकास जो हैं वो बड़े स्टाइल से प्रियंका को भड़का रहे थे। उसने प्रियंका को बताया कि अंकित के बाहर जाते ही साजिद और उसकी गैंग उसे नॉमिनेट करने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद प्रियंका विकास से कहती है कि अगर नॉमिनेट करना ही है तो कर लो, मैं थोड़ी डरती हूँ, अब तो अंकित भी चला गया है, जितना करना है कर लो। बाद में शो में टीना को एमसी स्टेन के साथ शालिन के बारे में बुरा बोलते देखा गया। स्टेन को वो बताता है कि शालिन चालाकी कर रहा है और घर वालों के पास जाकर एक कार्ड खेलने की कोशिश करता है और उनके सहानुभूति लेने की कोशिश करता है। फिर बिग बॉस के घर के अंदर शेखर सुमन आए और उन्होंने घर वालों को काफ़ी रोस्ट किया। इसके बाद शो में आगे विकास अर्चना और शालिन से कहते हैं कि शिव ने बिग बॉस मराठी में कंटेस्टेंट को मतलब काट दिया था किस तरह से। दोनों ही सुनकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद विकास यहीं नहीं रुकते हैं, वो बात प्रियंका को भी बताते हैं, यानी घर के अंदर चुगली कर रहे हैं इधर से उधर। और प्रियंका इसके बारे में शिव से बात करती है तो शिव उन्हें बताते हैं अपनी बात, लेकिन बिग बॉस ने शिव से कहा कि देखो सुनो, यहाँ पर किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बिग बॉस नाराज़ होते हैं, सबको लिविंग एरिया में बुलाते हैं और विकास को सबके सामने बेनकाब करते हैं और विकास से कई सारे सवाल भी करते हैं। और उसके बाद विकास जो है वो आखिर में बिग बॉस के आगे झुक जाता है। इसके बाद घर के अंदर अब्दू रॉजिक आते हैं और घर के अंदर एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब्दू को घर में देखकर सब खुश होते हैं। वहीं शिव अब्दू को गले लगाता है और कहता है कि वो सपने में उसके लिए रो रहा था। साजिद और निमृत को लगता है कि अब्दू उनसे बदल गया है। क्या कहेंगे इस पर, अपनी राय ज़रूर दें।